जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने शहजनवा पाली क्षेत्र के डुमरी स्थित सद्भावना प्रेरणा लघु उद्योग पुष्टाहार प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान समूह की महिलाओं में प्लांट में पुष्टाहार पैकेट बनाने में आ रही समस्याओं का निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद में 6 ट्रैकों में राशन प्लांट बन रहे हैं, जो कि आजीविका मिशन के तहत बन रहा है। महिला समूह के द्वारा इस प्लांट का संचालन किया जाएगा। विभाग द्वारा पोषाहार एवं खाद्यान्न का वितरण होता है, वह इन्हीं प्लांट के माध्यम से बनाया जाएगा, उसका संचालन किया जाएगा और उसकी आपूर्ति होगी। यह बहुत अच्छी व महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका निरीक्षण करके महिला समूह से बात किया गया। महिला समूह बहुत ही अच्छी तरह से व ऊर्जा के साथ काम कर रही है। इस योजना से कुपोषण के खिलाफ अभियान चलेगा, इससे महिला समूह भी सशक्त होंगी, उनके लिए उद्यमिता क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए राह बनेगी, जिसको सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। मई तक सभी प्लांट चलाने का प्रयास है और उसकी अति शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करने का उद्देश्य है। इस अवसर पर BDO ब्रजेश यादव, सचिव धनेन्द्र प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, इसके बाद ये सर जाएगा, इसके बाद ये हैमर मशीन है, छोटे छोटे पार्टों में टूटेगा, टूटने के बाद में सर हर रेसिपी के हिसाब से उसके बाद में सर यहाँ पे आ जाएगा। यह आप ब्लेंडिंग मशीन है, इसमें यहाँ पे सर देना है उतने का पैकेट कस्टमाइज बना के आएगा। यहाँ से आने के बाद में सर इसमें ब्लेंडिंग होगा, यहीं से वो जो सर बेल्ट लगा लेता है वो भी यहीं से होगा। यहाँ से आने के बाद ये सर ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन है, ब्लेंडिंग का सर लगा रहेगा, सिलेंडर बन जाएगा, यहाँ से पैकेट निकल जाएगा। यहाँ से होने के बाद में सर ये फिनिश प्रोडक्ट के लिए स्टोरेज का होगा, ठीक है, का जो होगा एक शिफ्ट में, दो शिफ्ट में काम करेगा। आठ शिफ्ट में आठ घंटे काम करेगा, और एक कितने लोग यहाँ पे कार्य करेंगे? 20 इसमें मतलब आपका प्रबंधन के लिए क्या व्यवस्था है, मतलब कौन मैनेजर रहेगा, दैनिक कौन शिफ्ट कौन चलाएगा, जैसे हम लेबर कहाँ से लोग हैं, तो हम ही लोग अपना 10-10 लोगों का कार्य विभाजन कर लिया है। 8 मतलब 10 लोग रात को करेंगे 8 घंटा, 10 दिन का करेंगे। परिवार से बात हो गई आपकी? हाँ, सब बात, क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कार्य करने के लिए सभी चीज़। और ये लेखा जोखा कैसे रखेंगे? इसी में से जो 20 में से हैं महिलाएं, जो ज़्यादा मतलब पढ़ी हैं वो लेखा जोखा करेंगे। बढ़िया चलना है प्लांट, इतना बड़ा प्लांट है और इससे निरंतर बच्चों को खाद्यान्न मिलता रहेगा आप लोगों की वजह से, हाँ, तो प्रशिक्षण होना है बड़ी बढ़िया से। अभी कोई दिक्कत है तो बताइएगा। सभी बच्चों को आप सहायता दे रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और साथ ही साथ सभी प्रिंसिपल की सभी की निगरानी आपके ऊपर है, अकॉर्डिंग जो हमारे जनपद में 6 टेकोम राशन प्लांट बन रहे हैं आजीविका मिशन के अंतर्गत, जिसके तहत महिला समूहों को द्वारा ये प्लांट का संचालन किया जाएगा। और जो हमारे ICDS विभाग में जो पुष्टाहार का वितरण होता है, जो खाद्यान्न वितरण होता है, वो इन्हीं प्लांट के माध्यम से उसका संचालन किया जाएगा, उसकी आपूर्ति होगी। ये बहुत अच्छी योजना और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसका मैंने आज निरीक्षण करके महिला समूहों से बात भी किया। बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ, उत्साह के साथ महिला समूह काम कर रहे हैं। इस योजना से बहुत बड़ा लाभ होगा, एक तरफ कुपोषण के खिलाफ भी बहुत हमारे अभियान चलेगा और दूसरा महिला समूह भी सशक्त होंगे और उनके लिए उद्यमिता क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक राह बनेगी। ये इस योजना को सफल बनाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मई तक सारे प्लांट चलाने का हमारा मकसद है और अतिशीघ्र उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य।